Hello all, I welcome you all to the new video lecture of this video series from AKCAC Adda. For some past videos, we have been looking after so many different topics of data structure, right? We have gone through so many different sorting algorithms. In meanwhile, I also discussed about searching technology, right? Now today in parallel system, we are again going to introduce you all with a new subject, that is DLD, Digital Logic and Design. At some of the places it is regarded as Digital Logic Design, at some of the places it is also regarded as STLD, that is Switching Theory and Logic Design. So today we are going to start with a new subject and with a new topic. The topic will be number system. The fact of the matter is that, first of all, before starting this topic, we will have to have a generalized view that why we are going to have this topic into consideration. Actually, the computer in today's world which we are dealing with is a digital computer, and we know it very well that there are some parts of the digital computer, that is one is input unit, another is monitor, another is output unit, and memory, central processing unit. These are the different parts of the computer. But one thing is very important, if we talk about the input unit, that what does the input unit actually work, what is the functioning purpose of input unit. तो जनरली हम लोग ये पाते हैं कि इनपुट यूनिट का काम क्या है कि इनपुट यूनिट की मदद से हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट? बट इफ वी गो इनटू द डिटेल देन वी विल कम टू नो दैट इनपुट यूनिट बेसिकली वर्क्स इन थ्री डिफरेंट स्टेप्स. स्टेप वन, इट टेक्स द इनपुट, इट टेक्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. स्टेप टू, इट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. एंड इन थर्ड स्टेप, इट सप्लाइज द डेटा टू द कंप्यूटर. That is what I mean to say, ना तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझता है और ना हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझते हैं. दिस इज अ फैक्ट. कंप्यूटर, आज के वर्ल्ड का जो कंप्यूटर है, दैट इज ऑफनली रिगार्डेड एज डिजिटल कंप्यूटर. एंड डिजिटल इट सेल्फ मीन दैट कंप्यूटर इज ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरो एंड वन. सो नंबर सिस्टम बहुत प्रिलिमिनरी है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? अब जीरो एंड वन, जो नंबर सिस्टम जीरो एंड वन, जिस लैंग्वेज की मैंने बात की, जो नंबर सिस्टम है या फिर जो लैंग्वेज है जिसको एक कंप्यूटर समझ रहा है, दैट इज बाइनरी कोडिंग, राइट? सो इन टुडेज वीडियो वी विल सी टू इट दैट व्हाट इज बाइनरी नंबर्स, व्हाट आर बाइनरी नंबर्स, व्हाट इज बाइनरी कोडिंग, हाउ इज डेसिमल नंबर विच वी यूज टू फॉलो इन जनरल लाइफ. हम लोग जनरल लाइफ में क्या फॉलो करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब दशमलव अंक प्रणाली, ठीक है? अब ये दशमलव अंक प्रणाली हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम से या हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, ये जो नंबर सिस्टम का वीडियो है, इट विल बी हैविंग फोर डिफरेंट वीडियोज. पहले वीडियो में कुछ आएगा, दूसरे वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड वीडियो में इसका थर्ड पार्ट, एंड इन द फोर्थ वीडियो वी विल बी लुकिंग आफ्टर द डिफरेंट MCQs, राइट, that are related to this particular topic of number system and that have been asked in different examinations, right? So we are going to start with our topic of number system. Now this is our number system. First number system is decimal number system. It is very much clear. Decimal number system matlab base 10 number system hai, theek hai? Ye wo number system hai jisko hum log follow karte hain daily life mein, right? दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बेस टू नंबर सिस्टम. दिस इज द नंबर सिस्टम विच एक्चुअली आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, राइट? थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 8 नंबर सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 16 नंबर सिस्टम. हम लोग इन सारे नंबर सिस्टम्स को एक एक करके कंसिडर करेंगे, इनको देखेंगे, इन पर न्यूमेरिकल्स एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद फाइनली सबका समअप करेंगे. In today's videos, I am going to cover decimal number system and binary number system, right? Separately, these two number systems will be considered, and then after we will see to it that how we can convert a binary number into decimal number and in turn a decimal number into binary number, right? सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं decimal number system से. Decimal number system, base 10 number system. Base 10 का क्या मतलब हुआ? Base 10 number system, इसका clear मतलब है कि this number system will be having 10 digits. That is, digits from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. In general, हम लोग जब अपनी normal पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 9 के बाद 10 आ जाता है, उसके बाद 11 और इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं. अगर इस चीज़ को कुछ समय के लिए हम अपने दिमाग से स्किप करते हैं एंड we should see that how the numbers are actually going to be framed out of all these given 10 digits. Hota kya hai, 10 digits jab ho gayi to 10 digit ka aapka single time ka jo occurrence tha wo complete ho chuka hai.
अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग रिपीटेशन करना शुरू करते हैं। रिपीटेशन की शुरुआत कभी भी जीरो से नहीं होती, रिपीटेशन की शुरुआत हमेशा वन से होती है। तो वन, वन पे जीरो चलेगा, वन पे वन चलेगा, वन पे टू चलेगा, वन पे थ्री चलेगा, वन पे जीरो, वन पे वन, वन पे टू, वन पे थ्री, वन पे फोर, और इस तरह से कहाँ तक जाएगा, लास्ट डिजिट कौन सा है हमारा, नाइन, वन पे नाइन तक चलेगा। उसके बाद जब वन पे रिपीटेशन कंप्लीट हो गया हमारा, अब रिपीटेशन किस पे शुरू होगा, टू पे रिपीटेशन शुरू होगा। तो टू पे जीरो, टू पे वन, और इस तरह से कहाँ तक जाता है ये, टू पे नाइन तक। फिर इसी तरह से थ्री पे शुरू होगा, फोर पे शुरू होगा, फाइव पे शुरू होगा, सिक्स पे शुरू होगा, सेवन पे शुरू होगा, एट पे शुरू होगा, नाइन पे शुरू होगा। जब नाइन पे ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, समझिएगा, तो नाइन पे जीरो, नाइन पे वन, नाइन पे टू, इस तरह कहाँ तक जाएगा ये, नाइन पे नाइन तक। जब नाइन पे नाइन तक चला गया तो आपको समझ में आ रहा था पहले सिंगल डिजिट का नंबर था, उसके बाद हम दो डिजिट पे उतरे, अब दो डिजिट का नंबर भी खत्म हो चुका है। अब अगला नंबर बनाने के लिए हमें अगला कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। हम लोग यहां तक यूज कर चुके थे डिजिट इन ऑर्डर टू फ्रेम द कॉम्बिनेशन, अब हम इस वाले डिजिट को यूज करेंगे, वन जीरो। तो वन जीरो पे क्या आ जाएगा, जीरो, वन जीरो पे वन, इस तरह से ये नंबर सिस्टम बढ़ता जाता है। होता क्या है, इन जनरल हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं और हमें याद हो जाता है कि दस के बाद ग्यारह आना है, राइट, इलेवन हैज टू अपीयर जस्ट आफ्टर टेन, राइट। लेकिन दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द नंबर सिस्टम, दैट हाउ नंबर सिस्टम इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड, डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस टेन नंबर सिस्टम। आपको यही बता रहा था कि इन दिस नंबर सिस्टम वी आर हैविंग टेन डिजिट्स, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अप टू नाइन। जैसे ही दस डिजिट खत्म हुए उसी के बाद से रिपीटेशन ऑफ द डिजिट शुरू हो जा रहा है वन से। रिपीटेशन कभी भी वन से नहीं, जीरो से नहीं शुरू होगा, इसका ध्यान रखना है। रिपीटेशन हमेशा वन से शुरू होगा। और ये जो मैंने आपको नंबर फ्रेम करने का तरीका बताया है, ये आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में तो बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, हम लोग इससे फैमिलियर हैं। लेकिन जब हम दूसरे नंबर सिस्टम्स पे बढ़ेंगे तब यही नंबर सिस्टम आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये जो फ्रेमिंग का मैंने तरीका बताया है इसकी यूटिलिटी क्या थी, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बेस टेन नंबर सिस्टम, टेन डिजिट्स विच वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हम लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। Now we will move to the binary number system which the computer actually understands. Now this is binary number system, base 2 number system. As it is very much clear from the name itself, ki base 2 number system hai, to base basically actually represent the total number of digits in the number system. To isme kitne digit honge, 0 and 1, right? So very first digit is 0 and second is 1. Ab yahan pe hamare paas do hi digit the aur dono digit hamare paas mein khatam ho chuke hain. उसके बाद क्या होगा, आपको याद होगा जब 0 से लेकर 9 तक खत्म हो गया था तो हमने रिपीटेशन शुरू कर दिया था, कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया था सिंगल डिजिट का। और मैंने बताया था उस समय भी कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना, कभी हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, हमेशा 1 से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ही डिजिट है तो अगला डिजिट कैसे होगा, हमें कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन किससे बनाना शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे। 1 पे क्या आएगा, 1 पे 0 और 1 पे 1, यही आएगा। अब चलिए, जीरो पे कॉम्बिनेशन बनाना नहीं था, वन पे कॉम्बिनेशन बनाना था, वन पे हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, वन जीरो आ गया, वन वन आ गया। अब हमें किस पे कॉम्बिनेशन, जीरो पे बनाना नहीं था, वन पे बन चुका, अब अगला कॉम्बिनेशन किस पे बनेगा, जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा डेट विल बी ऑन वन जीरो। तो इसका मतलब अगला कॉम्बिनेशन जो होगा वन जीरो पे बनेगा, दिस विल बी वन जीरो पे जीरो और वन जीरो पे वन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन किस पे बनेगा, वन वन पे, वन वन पे जीरो और वन वन पे वन। यहां तक कॉम्बिनेशन बन चुका, ठीक है। जब यहां तक कॉम्बिनेशन बन चुका तो अगला कॉम्बिनेशन किस पे बनेगा, वन जीरो जीरो पे, बट नेचुरल सी बात है। तो अगला जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये वन जीरो जीरो पे बनेगा, वन जीरो जीरो पे जीरो और वन जीरो जीरो पे वन, क्योंकि यहां पे दो ही डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इस पे भी कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम देखते हैं वन जीरो वन पे, अगला कॉम्बिनेशन वन जीरो वन पे बनना है, वन जीरो वन पे जीरो और वन जीरो वन पे वन। नेक्स्ट 110 पे, 110 पे 0 और 110 पे 1। नेक्स्ट 111 पे 0 और 111 पे 1। समझ में आ रहा है, अगला कॉम्बिनेशन अगर हमें बनाना होता तो किस पे बनता, 1000 पे बनता, 01000 पे 1। ये हमारा फ्रेम करने का तरीका है, इसमें कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं है, देयर इज नथिंग टू रोट दीज नंबर्स, आपको बस फ्रेम करना आना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था डेसिमल नंबर सिस्टम में जब मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूँ फ्रेम करना, वहाँ आपको वो थोड़ा सा हो सकता है नॉन जेन्युइन लग रहा हो, बट जब आप दूसरे नंबर सिस्टम में उतरेंगे तो नंबर फ्रेम करने का जो तरीका है उसकी यूटिलिटी आपके सामने क्लियर होगी। आई डू होप डेट द
way or the method that I have adopted to frame out the numbers in a particular number system, that must be clear to you all. ठीक है, अब हमने देखा डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने देखा बेस 10 नंबर सिस्टम है, 10 डिजिट है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम देखा बेस 2 है, 2 डिजिट है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट देयर इन बिटवीन द बाइनरी नंबर सिस्टम एंड द डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द इंटर कन्वर्जन दैट इज बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। जो बाइनरी सिस्टम में नंबर फॉर्म किया था मैंने, आपको याद होगा 0 1, फिर 10, देन आफ्टर 11, उसके बाद क्या हमने फॉर्म किया था 10 पे 0, 10 पे 1, देन आफ्टर 11 पे 0, 11 पे 1, राइट। फिर कॉम्बिनेशन किस पे बनेगा 100 पे, 100 पे 0 और 100 पे 1, यहाँ तक हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद किस पे बनेगा 101 पे, 101 पे, 101 पे 0 और 101 पे 1, ये हो गया। उसके बाद कॉम्बिनेशन किस पे बनेगा 110 पे, 110 पे 0 और 110 पे 1। उसके बाद कॉम्बिनेशन किस पे हमने बनाया था, इस पे 111 पे 0 और 111 पे 1, यहीं पे आके हम लोग रुक गए थे। और अगला कॉम्बिनेशन बनना अगर होगा तो 1000 पे बनेगा। ठीक है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है डेसिमल के 0 के, ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है डेसिमल के 1 के, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, राइट। अब ये क्वेश्चन जेनुअनली उठता है दिमाग में कि ये तो हम लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नंबर सिस्टम तो हमें याद है। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रोट और टू लर्न और टू मेमोराइज दिस नंबर सिस्टम, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयर मस्ट बी सम वे आउट कि हम जिस भी डेसिमल नंबर को चाहें उसको उसी समय बाइनरी में कन्वर्ट कर सकें। हर बार तो हम ये सीरीज नहीं लिख सकते। मान लीजिए 15 के लिए इतना लिखना पड़ा, अब सपोज के लिए जिसमें 1000 के लिए लिखना, तो कितनी बड़ी सीरीज चली जाएगी। तो देयर मस्ट बी सम वे आउट जिससे हम क्या कर सकें, डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें, राइट। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम डायरेक्टली इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, राइट। एंड देन आफ्टर वी विल सी कि बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। इसको थोड़ा क्लियरली समझने की कोशिश कीजिएगा, देयर इज नथिंग टिपिकल इन इट, बहुत आसान है। हमको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी बेस 10 नंबर सिस्टम को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। देखिए और भी नंबर सिस्टम होंगे जिनके बेस अलग अलग होंगे, ठीक है। तो डेसिमल से हम जिस भी नंबर सिस्टम में जाएं, जैसे मैंने पहले बताया था ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, तो उस नंबर सिस्टम का जो बेस है उस बेस से वी हैव टू कीप डिवाइडिंग द गिवन डेसिमल नंबर। कैसे, जैसे कोई नंबर कंसिडर कर लीजिए डेसिमल का 11 है, नाउ दिस 11 हैज़ टू बी कन्वर्टेड इन टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इस 11 को हमको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। सिंपली वट डू हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग दिस नंबर 11 बाई 2। अगर आप 2 से 11 को डिवाइड कीजिएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 2, 5 जै 10, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। द रिमाइंडर हैज़ टू बी रिटन ऑन दिस प्लेस, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वोशेंट, ठीक है। अब अगेन इसको 5 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2, 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1, राइट। भाई इसको समझिए, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 जा 4 जाएगा ना, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जा रहा है और ये जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ आ जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। नाउ अगेन दिस 2 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2 अगेन, 2, 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे केवल 1 बच गया है लास्ट में, और 1 जो है 2 से छोटा है, डिवाइड तो हमको 2 से ही करना है, 1 जो है 2 से छोटा है, तो 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, यानी ये 0 टाइम्स गया और रिमाइंडर क्या बच गया 1। समझ में आई बात, हमको हर बार हर नंबर को केवल 2 से डिवाइड करते जाना। मैं इस पर अभी एक एग्जाम्पल और करके दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट में ये 0 टाइम्स बच गया है और हमारे पास में रिमाइंडर बच गया है 1। अब मूवमेंट जो है हमारा, इसमें हमें बॉटम टू टॉप मूवमेंट करना है, ठीक है।
तो जब आप बॉटम टू टॉप मूवमेंट करेंगे तो देखिए पहला नंबर क्या है आपका वन, दूसरा क्या है जीरो, तीसरा क्या है वन और चौथा क्या है वन। ये 1011 आ गया बेस टू में। जो 11 हमारे था वो बेस 10 में था, इसको जब हम बेस 2 में कन्वर्ट किया तो 1011 आ गया बेस 2 में। क्या देखिए 11 का 1011 था, बिल्कुल 11 का 1011 था। ठीक है, मैं इस पे एक एग्जांपल लेके अभी और आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। एक एग्जांपल वी विल बी कंसीडरिंग वन मोर एग्जांपल इस कन्वर्जन का, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, स्टिल वी आर डीलिंग विद डेसिमल टू बाइनरी, ये वाला 11 वाला आपके समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 13 को, 13 बेस 10 नंबर सिस्टम है, दिस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, राइट। तो 13 को फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तरीका वही रहेगा, इसका ध्यान रखिए। 2 6 जा 12, 2 से जब आप 13 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 1, 6 इधर आता था और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाता था। ठीक है, अगेन दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर 1। अगेन जब लास्ट में 1 बच जाएगा तो इसको 0 टाइम डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, मूवमेंट बॉटम टू टॉप। तो 13 जो बेस 10 में था इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, शुरुआत हमें बॉटम से करना है, पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 0 और तीसरा 0 है और चौथा फोर्थ डिजिट है 1। तो क्या 1101 था 13 का? हाँ बिल्कुल था, राइट। तो आई डू होप दैट इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। अभी तो मैं नॉर्मल नंबर की बात कर रहा हूँ, अभी हम फ्रैक्शन में नहीं गए। ठीक है, किसी भी नॉर्मल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल। चलिए, यहाँ तक हमने डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, अब हम देखते हैं हाउ कैन वी कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल, राइट। मान लीजिए कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 1011, ठीक है, दिस इज द बाइनरी नंबर विच हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। ये बाइनरी नंबर है जिसको हमें इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो अब डेसिमल टू बाइनरी एक अलग चीज थी, अब ये हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल जब हम करेंगे तो उसमें जो तरीका यूज करते हैं हम लोग कहते हैं उसको पोजिशनल वेट सिस्टम। जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं इनको एक पोजिशनल वेट देंगे। ठीक है, पोजिशनल वेट देने का सिस्टम कैसे होगा, 1011 है, पोजिशनल वेट इधर से देना शुरू करेंगे, इसका पोजिशनल वेट 0, इसका पोजिशनल वेट 1, इसका पोजिशनल वेट 2, इसका पोजिशनल वेट 3। पोजिशनल वेट हमने दे दिया, दीज आर पोजिशनल वेट्स, पोजिशनल वेट्स। उसके बाद हमें क्या करना है, एक एक डिजिट को पिक करना है, 2 के पावर में उसके पोजिशनल वेट को रखना है, उसके मल्टीप्लाई करना और आगे ऐड करते जाना। जैसे देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये 1 है, 1 इन 2, ये बेस 2 है, 2 की पावर में इसका पोजिशनल वेट 0, प्लस ये अगला डिजिट क्या है 1 इन 2, 2 की पावर में इसका पोजिशनल वेट 1, प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 0, 0 इन 2 की पावर में इसका पोजिशनल वेट क्या है 2, प्लस अगेन 1 इन 2 की पावर में इसका पोजिशनल वेट 3। इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे 1 इन 2 के पावर 0, किसी भी चीज़ के पावर 0, इफ देयर इज एक्स विच इज हैविंग द पावर 0 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो दिस विल बी 1 इन 2 प्लस 1 इन 2 प्लस 0 इन 2 प्लस 1 इन 2 8, दिस विल बिकम 1 प्लस 2 प्लस दिस विल बिकम 0 प्लस 8 2 10 प्लस 1 11। 1011 जो बेस 2 में था इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 11 आ गया। अब देखिए क्या 11 का इक्विवेलेंट 1011 था, बिल्कुल था, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कर रहे हैं। नाउ आई विल बी टेकिंग अप एन एग्जांपल, ठीक है, जिसमें एक ही एग्जांपल लूंगा मैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा और उसी बाइनरी को रिकन्वर्ट कर दूंगा उस डेसिमल में। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, राइट, और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर अ डेसिमल नंबर 25,
25 base 10 है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस बेस 2n नंबर सिस्टम इन बेस 2 नंबर सिस्टम. राइट, तरीका क्या था, 25 को पिक कीजिए एंड वी हैव टू कीप ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 2. 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टू जा 24, रिमाइंडर 1. 2 से फिर डिवाइड कीजिए, 6 टू जा 12, रिमाइंडर 0. 2 से अगेन डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0. 2 से अगेन डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1. और जब 1 आ गया तो इसको लास्ट में 0 टाइम डिवाइड करके रिमाइंडर 1 कर दीजिए. मूवमेंट बॉटम टू टॉप, यानी 1 1 पहला 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, 0 0 1, ये बेस 2 में आ गया. अब हम इस बेस 2 नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या ये बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या वापस से हमको 25 मिल रहा है. तो देखिए, 1 1 0 0 1, ये हमारा बेस 2 नंबर सिस्टम था, पोजिशनल वेट 0 1 2 3 4. राइट, यही तरीका था इसको कन्वर्ट करने का. क्या करते थे हम लोग, पहला डिजिट लिया 1 इंटू 2 की पावर, ये पोजिशनल वेट 0, प्लस दूसरा डिजिट लिया 0 इंटू 2 की पावर 1, प्लस तीसरा डिजिट लिया 0 इंटू 2 की पावर 2, प्लस नेक्स्ट डिजिट लिया 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4. नाउ किसी की पावर 0 1 होती है तो 1 क्रॉस 1, प्लस 0 क्रॉस 2, प्लस 0 क्रॉस 4, प्लस 1 क्रॉस 8, प्लस 1 क्रॉस 16. आई होप कि ये तो सबको क्लियर ही होगा, है ना. ये हो गया 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 8 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25. तो आपने देखा कि इनिशियली वी टुक अ डेसिमल नंबर, फॉर एग्जांपल वी कन्वर्टेड दैट डेसिमल नंबर इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट एंड देन अगेन वी रिकन्वर्टेड दैट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. तो यहां से जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो भी तरीका हमने अभी कंसिडर किया था, उन तरीकों का एक सेल्फ वेरिफिकेशन भी हो रहा है. सो आई डू होप दैट दिस कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम एंड अगेन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. वन मोर थिंग, अभी हमने नॉर्मल इसका देखा है, अभी हमने इसके फ्रैक्शन पार्ट को कंसिडर नहीं किया. पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद भी कुछ आता है तो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड ऑल्सो. अब हम लोग देखेंगे कि किसी डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. राइट, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शनल डेसिमल एंड फ्रैक्शनल डेसिमल हैज टू बी अगेन कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शनल बाइनरी. लेट्स कंसीडर 0.06. दिस इज अ डेसिमल नंबर बट नेचुरली बाइनरी तो है नहीं. नाउ दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, बेस 2 में कन्वर्ट करना है. तो बेस 10 से जब हम बेस 2 में जाते थे तो अगर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता था, इंटीजर पार्ट होता था, तो हम क्या करते थे, उसको 2 से डिवाइड करते जाते थे. फ्रैक्शन में है तो हम इसका उल्टा करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. देखिए 0.06 को क्या करना है, 0.06 इंटू 2. क्या हो जाएगा 0.06 इंटू 2, 0.12. अब 0.12 आ गया तो 0 को आप बाहर ले लीजिए और 0.12 को फिर से इधर ले लीजिए. 0.12 के साथ हमें वही करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट कन्वर्ट्स इनटू 0.24. इस 0 को फिर से बाहर ले लीजिए, 0.24 को इधर ले आइए, अगेन 0.24 इनटू 2, दैट इज 0.48. इस 0 को आप बाहर ले लीजिए, इस 0.48 को अगेन यहां से ले आइए, 0.48. तो 0.48 को जब आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.48 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.96. इस 0 को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, और लास्ट में 0.96 को आपको करना है, 0.96 इंटू 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.92. तो 1.92 में इस 1 को आप बाहर ले लीजिए और 0.92 को इधर ले लीजिए. इस तरह से आपको करते जाना है, आपको तब तक करते जाना है जब तक आपको यहाँ पे समथिंग 0.00 ना मिले. और अगर समथिंग 0.00 नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, उस केस में आप 5 से 6 स्टेप करके छोड़ देंगे, ठीक है. मूवमेंट आपको ऐसे ही करना है, ठीक है. 0.06 का हो जाएगा 0.00001, ठीक है.
हम लोग एक ओवरऑल एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे, ठीक है। लेट्स से वी आर हैविंग एन एग्जाम्पल ऑफ 12.25। 12.25 एक बेस 10 नंबर सिस्टम है, इसको हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 12 तो इंटीजर पार्ट है, इसका कन्वर्जन का तरीका वही रहेगा, 12 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 2। 2 6 जै 12 0, 2 3 जै 6 0, 2 1 जै 2 1 एंड 2 0 अगेन 1। मूवमेंट बॉटम टू टॉप 1 1 0 0, ये 12 हो गया हमारे पास में, राइट। 0.25 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल है तो 0.25 को 0.25 इंटू 2 ये क्या कर देंगे, 0.50, राइट। अब 0.50 को कन्वर्ट करना है तो 0.50 इंटू 2 दिस इज 1.00। अब अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ये लेंगे इधर तो 0.00 आगे कुछ आएगा ही नहीं, तो इस पॉइंट पे अगर हमको कहीं पॉइंट के बाद केवल 0.00 मिल जाए तो इस पॉइंट पे हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो यहाँ जब रुक गया तो इसका इंटीजर पार्ट कितना था, इस 0 को बाहर लिए, इस 1 को बाहर लिए 1, तो 0.01 दिस बिकम्स आवर अल्टीमेट आंसर, राइट। अब ये तो हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, अब हमें ये देखना है कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा। बाइनरी टू डेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कोई दूसरी स्ट्रेटजी नहीं होती है, सेम स्ट्रेटजी चलती है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसी एग्जांपल से कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, राइट। 1100.01 बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, पोजिशनल वेट सिस्टम से कर रहे थे। शुरुआत कहाँ से हो रही थी, 0 1 2 3। जब हम डेसिमल के उधर बढ़ेंगे, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट पे बढ़ेंगे तो शुरुआत होगी -1 से और -2 से, क्लियर। अब तरीका वही है, द मेथड हैज टू रिमेन द सेम, मेथड वही है, तरीका वही है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक एक डिजिट को कंसीडर करना है एक एक बार में और उसके हिसाब से आगे का काम करते जाना है। पहले हम लोग इधर से, आप चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। 1 × 2 का पावर 3 प्लस 1 × 2 का पावर 2 प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to power 0 प्लस 0 × 2 to the power -1 प्लस 1 × 2 to the power -2, क्लियर। यही तरीका था, इसलिए मैंने इसका फ्रैक्शनल अलग से नहीं बताया, बिकॉज द प्रोसीजर हैज टू रिमेन द सेम, राइट। नाउ दिस बिकम्स 1 × 8 प्लस 1 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 2। देखिए 2 का पावर -1 दिस कैन बी रीरिटन एज 1/2 का पावर n। न्यूमिनेटर अगर माइनस पावर में है तो डिनोमिनेटर में जाके पावर प्लस हो जाएगा। 0 × 1/2 to the power 1 प्लस 1 × 1/2 to the power 2, राइट। सो इट बिकम्स 8 प्लस 4, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स 0 प्लस 1 × 1/2 square यानी 4। दिस बिकम्स 8 प्लस 4 प्लस 1/4 दैट इज 12 प्लस 1/4 दैट इज 12.25 बेस 10। देखिए 12.25 हम लोग इनिशियली लेके चले थे, वी कन्वर्टेड दैट 12.25 इंटू बेस 2 नंबर सिस्टम एंड अगेन वी रिकन्वर्टेड दिस बेस 2 नंबर सिस्टम इंटू बेस 10 नंबर सिस्टम एंड वी फाइनली गॉट 12.25 एज द आउटपुट, ठीक है। सो आई डू होप दैट इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल हाउ वी कैन कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर सिस्टम इंटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, वेदर इट इज इंटीजर पार्ट और वेदर इट इज फ्रैक्शनल पार्ट, एंड हाउ दिस नंबर सिस्टम कैन बी रिकन्वर्टेड इंटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, राइट। So this is all about the first video of our number system, and I do hope that all of you must be having the basic idea of what number system is, what is decimal number system, what is binary number system, what is the correlation that exists there in between the decimal and the binary number system. In the similar way, we too have two more number systems that we have to study, that is octal number system and hexadecimal number system. Then after we will be generalizing all these number systems, right. So for these number system and the topics which are basically related to this number system, we will be releasing 4 different videos. This was the first video which basically covered decimal and binary number system. In next video we will be coming up with octal number system and hexadecimal number system, right.
In third video, we will be consolidating all the different concepts that are involved in the context of number system. And in final video, that is fourth one, we will be coming up the different MCQs that are asked in GATE examination, NIMSET and other MCO or BTEC entrance examinations that are based upon the concept of number system. अभी के वीडियो में आई डू होप कि जो भी मैंने बताया बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो लॉजिक है एंड द इंटर कन्वर्जन का जो मेथड है प्रोसीजर है आई डू होप दैट इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल. इवन इफ इट इज़ नॉट क्लियर यू कैन डायरेक्टली लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन माई नंबर और यू कैन सेंड अ मेल टू मी ऑल्सो ऑन दिस ईमेल आई डी. राइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू ऑल.